हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा है और ये सीरीज़ हम प्राणायाम पे कर रहे हैं और ये मेरा तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कपालभाति की। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो कि सबसे पहले किया जाता है। ये सबसे पहला प्राणायाम होता है जो आपको सिखाया जाता है जब आप सीखने जाते हैं प्राणायाम। और इसको हम टेक्निकली प्राणायाम नहीं कह सकते, क्योंकि प्राणायाम वो हर वो एक्सरसाइज जो आपके प्राण को लंबा करे, खींचे, उसे हम प्राणायाम कहते हैं। लेकिन कपालभाति प्राणायाम नहीं है, क्योंकि इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कि आपकी आपका प्राण लंबा हो। तो ये एक एक्चुअली एक डिटॉक्स एक्सरसाइज है। ये प्राणायाम कैटेगरी में नहीं आता है, ये एक डिटॉक्स कैटेगरी में आता है। तो योग में कई डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जल नीति है या इस तरह की जो सूत्र नीति है। तो प्राणायाम और ये जो कपालभाति है, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। तो ये डिटॉक्स एक्सरसाइज है। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन बन रहा है, बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल बन रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं और आप अपनी बॉडी को इमोशनली डिटॉक्स करना चाहते हैं और फिजिकली डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो कपालभाति ये तरीका है जिस तरीके से आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो कपालभाति के फ़ायदे क्या क्या हैं? अगर हम कपालभाति करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया कि ये डिटॉक्स है, तो डिटॉक्स करेगा ये आपको इमोशनली और फिजिकली आपको डिटॉक्स करेगा। आपके ब्लड को ज़्यादा एल्कलाइन करेगा। तो ब्लड अगर जितना एल्कलाइन उसकी प्रॉपर्टी होगी उतना वो स्वस्थ होता है। तो अगर पीएच देखा जाए ब्लड का, तो उसको अगर हम मेजर किया जाए तो अगर वो एल्कलाइन की तरफ है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप कपालभाति करते हैं या किसी भी तरीके का प्राणायाम करते हैं तो वो आपकी बॉडी को के ब्लड को एल्कलाइन करता है। तीसरी चीज़ जो कपालभाति करती है, क्योंकि हम अपने पेट की मसल्स को बार बार अंदर बाहर करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ये आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व वो नर्व होती है जो कि आपके गट को आपके ब्रेन से कनेक्ट करती है और ये कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करती है अपने ब्रेन के साथ। तो जब आप फोर्सफुल इन्हेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो आप अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और इससे आपके सारे अच्छे हार्मोन्स ब्रेन तक जाते हैं और आप बढ़िया फील करते हैं। और कपालभाति का मतलब क्या है? कपाल का मतलब होता है सर। तो बेसिकली कपाल की एक्सरसाइज है ये। तो ये आप मेनली आपके हेड की एक्सरसाइज है। ये मेनली वो आपके इमोशंस पे काम करती है, आपकी मेंटल वेलबींग पे काम करती है। तो आजकल जो हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो कपालभाति उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक एनर्जी बूस्टर है और डिटॉक्स है जो कि आपको सुबह सुबह अगर आप करें तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। कपालभाति में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आप कभी भी नहीं कर सकते। इसको आपको ज़रूरी है कि आप सुबह करें। इसे ज़रूरी है क्योंकि ये डिटॉक्स एक्सरसाइज है। तो जब आप रात को जब बहुत देर तक सोते हैं तो आपका लिम्फ जो है, जो कि कचरा साफ करता है, वो स्टैटिक हो जाता है। तो आप जब सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी थोड़ा सा आपके फेस में सूजन होती है क्योंकि ये लिम्फ जमा हो जाता है। और जब आप मूव करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो सूजन कम होती है। तो सुबह को जब आप कपालभाति करते हैं तो ये लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करता है और आपके अंदर का कचरा बाहर निकालता है। तो इसलिए इसे सुबह सुबह करने का इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज, सुबह सुबह आपका पेट खाली होता है, तो जब आप स्टमक की एक्सरसाइज करते हैं तो यह बेटर होगा। अगर आपके पेट में खाना है और तब आप कपालभाति कर रहे हैं तो इसका एक्चुअली आपको नुकसान हो सकता है बेनिफिट होने के बजाय। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप शाम को भी कर रहे हैं कपालभाति तो एटलीस्ट 4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने और कपालभाति करने में। तो इतना गैप आपको मेंटेन करना है तभी आप अच्छे से कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति का आपके हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल को नीचे करता है और जो एक्सेस ईस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल बन रहा है आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है, तो उसको कम करता है, ये डिटॉक्स कर रहा है आपकी बॉडी को। तो हार्मोन को अगर आपको बैलेंस करना है तो इससे ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा कपालभाति आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। तो आपके पेट में एक अग्नि होती है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को गवर्न करती है। तो आपका खाना बहुत, जब आप जवान होते हैं और यंग होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, आप जो खाते हैं वो पच जाता है क्योंकि आपकी फायर बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे आप एज करते हैं आपकी डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर होती जाती है और आप हर कुछ नहीं हजम कर पाते। तो इसके लिए जब आप कपालभाति करते हैं तो ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करती है, उसको बढ़ाती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपका वेट लॉस भी होता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपका वेट लॉस होना कम हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। तो वो उस चीज़
इसको उसके ऊपर कपालभाति बहुत अच्छे से काम करता है. इसमें वेट लॉस होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आप बेटर फील करते हैं. इसके अलावा लंग कैपेसिटी तो बढ़ती ही है क्योंकि आप इतना फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन जब आप करते हैं तो आपकी लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं. तो अगर आपको नेजल कंजेशन है, साइनस की प्रॉब्लम है, एस्मा है, तो वो वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बहुत ही जल्दी आपकी कपालभाति से सॉल्व हो सकती हैं. अब कपालभाति जब हमें करनी है तो इसमें हमें देखना है कि हमें इसको एक सीक्वेंस में करना है. तो इसके हमें जब हम कपालभाति करेंगे तो हम इसके आइडियली 3 राउंड्स करेंगे. तो अगर आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो आप 60 फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे. उसके बाद फिर आप एक शून्यकाल या रेस्ट में जाएंगे जिसमें कि आप सिर्फ अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे. ये शून्यकाल बहुत ज़रूरी है. तो जब आपने कपालभाति कर लिया उसके बाद आप रेस्ट करेंगे. इस रेस्ट के दौरान आप ये देखेंगे कि आपकी ब्रेथ कैसे चेंज हो रही है. आप अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या सांस एकदम गायब हो गई है, क्या हुआ है आपकी ब्रेथ को, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है. तो पहले आप एक राउंड कपालभाति का करेंगे, फिर शून्यकाल में जाएंगे, फिर कपालभाति करेंगे, फिर शून्यकाल में जाएंगे, फिर कपालभाति करेंगे और फिर शून्यकाल करेंगे. तो ये आपका एक पूरा सीक्वेंस होगा जो कि आपको सिस्टमेटिकली फॉलो करना है. अब इसमें आपको इनहेलेशन की तरफ ध्यान नहीं देना है. जब आप फोर्सफुल एक्सहेल करेंगे तो आप सिर्फ अपनी पेट की मसल से इस तरीके से एक्सहेल करेंगे. इसमें आपको ये देखना नहीं है कि आप इनहेल कैसे कर रहे हैं, सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है. इनहेलेशन खुद ब खुद होगा तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी चीज़ कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन होना चाहिए, इतना फोर्स होना चाहिए कि उसका आपको फ़ायदा हो. तो यहाँ पे आप अपनी उंगली रख के आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन करें और देखें कि यहाँ पे ये सांस आपकी पड़ रही है कि नहीं. अगर आपको फोर्स यहाँ महसूस हो रहा है इसका मतलब कि आप सही तरीके से कपालभाति कर रहे हैं. तो देखिए आप ऐसे करके देख सकते हैं. तो आपको अगर यहाँ फील हो रहा है इसका मतलब कि आप ठीक तरीके से कपालभाति कर रहे हैं. इसके अलावा ध्यान रखना है जब आप कपालभाति करें तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होने चाहिए. तो बहुत ज़्यादा यहाँ फोर्स लगा के अपने फेस को कॉन्ट्रैक्ट करना या यहाँ पे आपके कुछ बल पड़ रहे हैं, आपकी आँखें ऐसी हो रही हैं, एकदम मीच रही हैं, ऐसे नहीं करना है. आपके फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल शांत होने चाहिए. और दूसरी चीज़ कि आप के जो शोल्डर्स हैं वो मूव नहीं होने चाहिए. तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं. आपका फोर्स सिर्फ आपके पेट से लगेगा और बाकी सारी बॉडी आपकी एकदम स्थिर रहेगी. तो अब हम एक राउंड कपालभाति का करेंगे. मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी कि इसको सही तरीके से कैसे करना है और आप इसके 3 राउंड्स घर पर कर सकते हैं. तो मैं अभी आपको जो राउंड करके दिखाऊंगी उसमें मैं 40 टाइम्स एक्सहेलेशन करूंगी. आप इसको 60 टाइम्स कर सकते हैं, 80 टाइम्स कर सकते हैं या 100 टाइम्स कर सकते हैं. डिपेंडिंग आपकी कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इसे बढ़ा सकते हैं. पर मैं 40 दिखाऊंगी आपको और उसके बाद किस तरीके से शून्यकाल करना है वो भी मैं दिखाऊंगी और उस तरीके से आप अपने 3 राउंड्स अपने घर पर कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें ऐसी मुद्रा बनानी है. सिंपल, आपके अंगूठा इस तरीके से होगा और इस मुद्रा में आप आँखें बंद करेंगे और धीरे धीरे फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे 40 टाइम्स. इस तरीके से मैंने 40 टाइम्स फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया, उसके बाद मैं शून्यकाल में गई. अब इसको आप 60 कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेशन करना है, ज़रूरी है. इसमें इसको आपको बढ़ाना है. तो आप अगर 40 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़े दिन बाद 60 तक ले जाइए, फिर उसको 80 तक ले जाइए, फिर उसको 100 तक ले जाइए और फिर इसे 120 तक ले जाइए. तो एक राउंड आपका 120 का होना चाहिए और ऐसे आप 3 राउंड कर सकते हैं. और अगर आप लगातार इसे कर रहे हैं तो आप इसके 5 राउंड्स भी कर सकते हैं. तो अगर 2-3 महीने तक अगर आप कपालभाति करते हैं तो हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़
जाए कि आप आराम से 120 120 120 120 120 के 5 राउंड शून्यकाल के साथ कर सकें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये आपको एक पूरी तरीके से एक मॉर्निंग एक्सरसाइज मिल जाएगी, एक एनर्जी बूस्टर मिल जाएगा मॉर्निंग में अपने फ्रेश माइंड से ऑपरेट करने के लिए, और फिजिकली भी आप डिटॉक्स हो जाएंगे और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो ये मेरा एपिसोड था कपालभाति पर। आप इस एपिसोड को देख के आप घर पे कपालभाति कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ उस कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें थम्सअप दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।